नमस्कार दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर या हेडलाइन देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का वीडियो किसके बारे में है और हम आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेमोनिक्स के बारे में, या यूँ कहें साधारण शब्दों में कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या सीख रहे हो उसको लाइफ टाइम के लिए कैसे स्टेबल रखें। जैसे मैं बात करूं कि कौन सा टर्म, कौन सा मेटल पहले आया, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक वर्ड दूं CBI, तो CBI से अपन याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। सी से आपको कॉपर लिंक कर सकते हो, बी से आप ब्रॉन्ज को लिंक कर सकते हो, और आई से आप आयरन को लिंक कर सकते हो। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि कॉपर पहले आया, फिर आया ब्रॉन्ज, और फिर आया आयरन। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स बनाकर, कई सारे टर्म ऐसे बनाकर किसी भी फैक्ट को आप उससे इंटर रिलेट कर सकते हैं, उनको आप एसोसिएट कर सकते हैं, और हर चीज़ को आप मेमोराइज कर सकते हैं, और जो भी चीज़ आप मेमोराइज कर रहे हैं उसको आप स्टेबल रख सकते हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है UPSC की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कहाँ तक है या कहाँ कहाँ है, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है इसका एरिया कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए GPRS बड़ा कॉमन वर्ड है। GPRS से जी से हो जाएगा आपका गुजरात, पी से हो जाएगा आपका पंजाब, और आर से हो जाएगा आपका राजस्थान, और एस से हो जाएगा आपका सिंध। तो ऐसे आप किसी भी फैक्ट को, ऐसे कोई भी पॉपुलर टर्म है उससे इंटर रिलेट कर कर या एसोसिएट कर कर आप उसको एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, और वो फैक्ट आपके आजीवन आपके जहन में बना रहेगा। ऐसी फैक्ट, ऐसी ट्रिक्स हमने शायद स्कूल के दौर में या कॉलेज के दौर में काफ़ी चीज़ें अपन ने देखी है, और वो चीज़ें आपको अभी तक भी याद रहा अब जैसे मैं करती आपको है। बताऊं, मैंने BA के दौरान ये पढ़ा है कि कर्क रेखा जो है आपका वो कितने स्टेट से क्रॉस होता है, अभी ये ध्यान आया मुझे। तो इसके लिए मुझे सर ने बताई थी ट्रिक, मित्र छगु राम झाप, मैं इसको लिख देता हूँ, मित्र छगु राम झाप। तो ये हो गए मित्र 2 + 2 + 2 + 2, मित्र छगु राम और झाप, ये हो गए 8, यानी 8 स्टेट से आपके कर्क रेखा क्रॉस होती है। और मी से आपको लिंक करना है मिजोरम को, तरह से आपको त्रिपुरा से कर दो लिंक, छ से आपको छत्तीसगढ़ से कर दो लिंक, ग से गु से आपको करना है लिंक गुजरात को, रा से आपको लिंक करना है राजस्थान से, म से आपको लिंक करना है मध्य प्रदेश से, झा से आपको लिंक करना है झारखंड से, और प से आपको लिंक करना है पश्चिमी बंगाल से। तो ये आपने लाइव एग्जांपल अभी आपने देखा कि कैसे आप ट्रिक के थ्रू किसी भी चीज़ को आप अपने जहन में हमेशा के लिए उतार सकते हो। ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रिक्स पॉपुलर है, जब भी आप पढ़ा करते हैं तो ऐसी ट्रिक्स बनाएं। ये वीडियो, हालांकि वीडियो ऐसे क्लिप्स शायद यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भी जहन में आया कि मेरे को भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो ये वीडियो मैंने बनाया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।